चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मीठी चटनी यानी मीठी सौंठ बनाएंगे। खटाई की मीठी चटनी, इसको सौंठ भी कहते हैं। यह चटनी दही बड़े, समोसे, कचौड़ी, हर तरह की चाट के साथ प्रयोग में लाई जाती है। यह चटनी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसका बनाना भी आसान है। इसकी सामग्री इस प्रकार है। साबुत खटाई 50 ग्राम, चीनी 1.5 कप, 175 ग्राम, गुड़ 2 टेबल स्पून, काला नमक 1/2 टेबल स्पून, सफ़ेद नमक 1 टेबल स्पून, साबुत सौंफ 1 टेबल स्पून, सौंठ पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, खरबूजा के बीज 1 चम्मच, किशमिश 2 टेबल स्पून, भुजा जीरा 1 चम्मच। अब हम खटाई को धोकर भिगोएंगे 1 घंटा के लिए। इसकी जगह खटाई पिसी भी ले सकते हैं। खटाई को 3-4 बार पानी में धोकर इसे गुनगुने पानी में 1 घंटे के लिए भिगोएंगे। उसके बाद इसका पानी निकाल कर उबालेंगे। खटाई फूल चुकी है, अब इसको निकाल कर उबालेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे। कुकर गैस पर रखकर 1 सीटी आने तक उबालेंगे। सीटी आने के बाद गैस को कम करेंगे, 2-3 मिनट और पकाएंगे। 2-3 मिनट हो चुकी है, अब गैस बंद कर देंगे। स्टीम निकलने तक पकने देंगे। जब तक स्टीम निकलेगी तब तक हम बीज भूनते हैं। बीज भून चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब जो साबुत सौंफ भूनेंगे, हल्की सी भूनी होती है खुशबू आने तक। सौंफ भून चुकी है, इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। सौंफ ठंडी होने के बाद दरदरी पीस लेंगे। स्टीम निकल चुकी है, अब इसको ठंडा होने के बाद पीसेंगे। खटाई पीस चुकी है, अब इसे छानेंगे। अब इसको गैस पे पकाएंगे। उबाल आने के बाद चीनी डालेंगे, गुड़ डाल देंगे, नमक डाल देंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा किया जा सकता है। नीचे से घुमाते हुए चलाएंगे जिससे चीनी जले नहीं। चीनी डालने के बाद यह पतली हो जाती है, इसे गाढ़ी होने तक पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, ये इस तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, किशमिश डालेंगे, भुजा जीरा डालेंगे, काला नमक डालेंगे, भुजी हुई सौंफ को दरदरा किया ये डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। गाढ़ी पतली अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी सौंठ पाउडर डाल देंगे। बीज डाल देंगे। उबाल आने के बाद गैस बंद कर देंगे। अब इसे सर्विस बाउल में निकाल लेंगे। स्वादिष्ट सूखी खटाई की मीठी चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को दही बड़े, गोलगप्पे, किसी भी तरह की चाट के साथ खा सकते हैं। ठंडी होने पर कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें। यह चटनी 5-6 महीने तक खराब नहीं होती। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।